नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है जो ये एलईडी डिमर आते हैं हमारे जो एलईडी को कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पर बहुत से भाइयों को ये कन्फ्यूज होता है नहीं लेते समय कि इसमें हम कितने एल कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर हम चार एल कनेक्ट करें या इसके अंदर पंद्रह से बीस एल को भी कनेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते तो यहाँ पर मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाऊंगा कि यहाँ पर हर कलर की एल कितनी कितनी एल मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि सारी एल इसमें बढ़िया से वर्क करती है नहीं करती तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले इसमें से जो है एक कंट्रोलर ले लेते हैं इस कंट्रोलर पे यहाँ एल लिखा हुआ है माइनस और प्लस और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बारह बोल्ट से लेकर ये देखिए बारह बोल्ट से लेकर चौबीस बोल्ट तक की कोई सी भी यहाँ पर एल को कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि चार बोल्ट पाँच वोल्ट नौ वोल्ट बारह बोल्ट अट्ठारह वोल्ट यानी कि जितने वोल्ट का एल है वो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और जितने ही वोल्ट का एल आप यहाँ कनेक्ट करेंगे एल को उतना ही सप्लाई आप यहाँ आपको यहाँ देना होगा तो यहाँ पर ये यह वाली जो एल आती हैं ये हमारी सारी 12 वोल्ट की एल होती हैं 10 से 12 वोल्ट पे ही ऑपरेट हो जाती है तो हमने यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी को लिया हुआ है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एल को कनेक्ट करता हूँ ये चार एल ई हैं देखिए रेड कलर में तो यहाँ पर मैं जो एल ई पर लिखा हुआ है देखिए ये ये देखिए मैं आपको यहाँ पर पास से दिखाता हूँ ये देखिए एलईडी लिखा हुआ है तो इसको मैं यहां पर एलईडी साइड से थोड़ा सा कटर से यहाँ पर छील लेता हूँ ये देखिए ये हमने यहाँ पर कर दिया और ये हमारे बैटरी के वायर हो गए रेड और ब्लैक अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं ये रेड एल मेरे पे चार एल है मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर रेड में रेड वायर जोड़ देंगे और ब्लैक में ब्लैक वायर ये देखिए ब्लैक पट्टी है यहाँ पर ये देखिए ब्लैक पट्टी है तो ब्लैक वायर जोड़ दिया और ये एल हमने यहाँ कनेक्ट कर दी और जहाँ पर बारह बोल्ट और चौबीस बोल्ट लिखा हुआ था ये देखिए ये बारह और चौबीस लिखा हुआ है यहाँ पर हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो इनके दोनों वायर को अलग अलग कर दें जो आपस में शॉर्ट ना हो और बैटरी पे भी हम ब्लैक और रेड वायर जोड़ देंगे तो ये मैंने ब्लैक वायर जोड़ दिया और ये हमारा रेड वायर जुड़ गया तो ये एल देखिए चार एल जल रही है अब मैं इसको कंट्रोल करता हूँ यहाँ से तो ये देखिए कंट्रोलर देखिए सही काम कर रहा है एकदम ये देखिए और इसी कंट्रोल से आप बंद कर सकते हैं यहां पर बीच वाले बटन को दबा के रखेंगे तो बंद भी हो जाएगा और दोबारा एक बार और दबाएंगे इसको ये तो ऑन हो जाएगी और इसके अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि जिस मोड पे आप इसे छोड़ेंगे ये उसी मोड पे ही चालू होगा ये देखिए अब यहाँ पर देखिए चार एल तो ये बढ़िया वर्क कर रही है अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहां पर जो है जब ये चार एल हमारी सही चल रही है अब मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर की एल ई जलाता हूँ ये एल है एक दो तीन चार पाँच छः सात ये सात एल है ग्रीन कलर की अब हम सात एल को भी जला के देखते हैं तो उससे क्या है कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि इसके अंदर हम कितनी एल को कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत से भाई ये सोचते हैं कि अगर इसमें हम ज्यादा एल को कनेक्ट कर देंगे तो ये जो हमारा सर्किट है वो खराब हो जाएगा तो यहाँ पर हमने ये सात एल लगा दी ग्रीन कलर की तो ये देखिए ये सात एल लग गई और ये देखिए सातों एल ई देखिए कंट्रोलर काम कर रहा है ये देखिए सारे मोड काम कर रहे हैं तो ये सात एल भी इसमें बढ़िया चल रही है अब इसको भी मैं हटा देता हूँ ये सात एल हटा दी अब ये रेड कलर की एलईडी डी देखिए यहाँ पर कितनी है हमारे पास इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह एल है इसके अंदर तो यहाँ पर मैं इसको वायर को थोड़ा सा छील लेता हूँ ये हमारा देखिए ये वायर छील गया और रेड में रेड वायर आज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इसमें जो सारा कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा ये देखिए वारे वायर जोड़ दिए और ये बैटरी के अंदर जो है रेड वायर को जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर देखिए सारी एल चल रही है और सारी देखिए कंट्रोल भी हो रही है ये देखिए तो ये देखिए ये भी कंट्रोल हो गई और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं ये वाइट कलर की एलईडी है मेरे पास अब ये वाइट एलईडी भी जला के देखते हैं ये कितनी एलईडी है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये बीस एल है हमारी वाइट कलर की इसको भी जला के देखते हैं तो यहाँ पर ये जो वाइट एल है इसका जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छा है और लेकिन इसके अंदर ये है कि ये वोल्टेज भी थोड़ा ज़्यादा लेता है लेकिन हम इसको भी जला के देखेंगे इस कंट्रोलर से कि बीस एल को ये एक साथ यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है या नहीं तो ये देखिए बीस एल ई डी यहाँ पर देखिए दस एल ई डी ये और दस एल ई डी देखिए ये दसों की दस कंट्रोल हो रही है अब कंट्रोल से चेंज करके देखते हैं ये देखिए तो बीस एल ई डी भी देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया कंट्रोल हो रही है अब यहाँ पर हमारे पास एक ब्लू कलर और है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल करके ये देखिए ब्लू कलर है ये वाली कितनी एल ई डी है हमारी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह एल है ब्लू कलर में इससे ये पंद्रह एल को भी कनेक्ट करके देखते हैं यहाँ पर रेड में रेड वायर ये जोड़ दिया हमने और ब्लैक में ब्लैक वायर ये देखिए ये जुड़ गया और यहाँ पर ये यह वाला वायर हम बैटरी पे जोड़ देते हैं ये देखिए कंट्रोल करते हैं इससे और जो ये लाइट का जो बटन है इसमें इसको दबाने से ये डायरेक्ट हो जाती है यानी कि जलती रहेगी और देखिए इसका सबसे अच्छा फ्यूचर मुझे क्या लगता है जैसे कि अगर मैंने इस वाले मोड पे इसको छोड़ा हुआ है और मैं सप्लाई को हटा देता हूँ मैं सप्लाई अगर दोबारा लगाता हूँ तो उसी मोड से ही चालू होगा देखिए सारी एल चल रही है तो आपने देखा कि इस कंट्रोलर से जो है आप जितना चाहे बीस एल ई उतना जला सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है तो दोस्तों मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा और मैं आपको अब आप दिखाता हूँ कि एल के हमें जो डिज़ाइन है कलर कितने तरीके के मिल जाते हैं जो अगर आप इस तरीके से लगाना चाहते हैं देखिए ब्लू कलर है वाइट कलर रेड कलर ग्रीन कलर ये भी रेड कलर है ये पिंक कलर है ये येलो कलर है ये ग्रीन कलर है ये भी हमारा ग्रीन कलर है गोल के अंदर ये हमारा वाइट के अंदर है जो लंबाई में है और ये वाला हमारा यहाँ पर देखिए रेड और ब्लू में है और ये रेड के अंदर है तो इस तरीके से ये एलईडी हमें मिलती हैं और अगर आप कवर के अंदर देखना चाहें तो कवर के अंदर ये हमारी वाइट में है ये हमारी मल्टी कलर है ये इसके ऊपर कवर लगा होता है और ये वाली हमारी ब्लू कलर है तो इस तरीके से बहुत सारी एल और बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्सन में भी डीमर का और एल का जो है लिंक डाल दूंगा वहाँ से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं तो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर कि इस इस टाइप की जो एल मिल जाती है और ये एल ई डीमर जो है बहुत अच्छा काम करता है इसके अंदर एक हमें ये भी मिलता है कि एक हमें मिलता है सिंगल एल के लिए और एक हमें ये मिलता है इसको बोलते हैं आठ जी यहाँ पर आपको चार पॉइंट मिलते हैं यहाँ पर आप तीन एल को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं ये यह जो यहाँ पर रेड पॉइंट बना हुआ है तो ये पॉजिटिव होता है और जो ये तीनों होते हैं ये ग्राउंड होते हैं यानी कि ए एल के अगर आप तीन एल कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एल के सारे पॉजिटिव लगाने होंगे और नेगेटिव जो है इन तीन वायरों पर लगाना होगा तो इस कंट्रोलर से क्या होगा तीन एल आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं और उनको तीनों को अलग अलग, अलग भी कंट्रोल कर सकते हैं तो दोस्तों मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना